पढ़ो पढ़ो, हम तो गुसल खाना ढूंढ रहे थे। पढ़ो बेटा पढ़ो पढ़ो। आइए हम आपको बाथरूम दिखा देते हैं। आप काहे परेशान हो रहे हैं प्रोफेसर साहब? अरे हम खुद ढूंढ लेंगे। और कोनो इतना बड़ा घर तो नहीं ना कि हम वहाँ अपने बाथरूम न ढूंढ सके। बाथरूम ढूंढने में आपकी जरूरत पड़े हम आते हैं। प्रोफेसर साहब, इतना छोटा बाथरूम कि उसमें बैठ के कौनो कुछ कह नहीं सकता। हमको कोनो एक जरूरी फोन करना ही, नेटवर्क नहीं आ रहा है। जरा छत पे जाएगी देखते हैं, शायद वहां आई जाए। आते बाबूजी। देख ले देख ले। ठाकुर साहब, हमारी प्रतिज्ञा कैसी है? ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है समदा जी, बिल्कुल ठीक है। अरे कटरा नरेश बाबू शक्ति सिंह, अब ऊपर नेटवर्क नहीं लगेगा। घर में नेटवर्क ना ना बेटा, आओ जल्दी नीचे आओ। अबे आओ वो यार। अरे प्रोफेसर साहब आज्ञा दें, अब चले थे चंदन जी। अम्मा प्रणाम। ए बेटा कोमल, खुशी खुशी रहना। अच्छा बेटा चल बेटा, बाहर मिलेगा नेटवर्क समझे। कुछ तो गड़बड़ है। इतना आसानी से वो अकेले इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। किसना वो तो हमका कोनो जादूगर नहीं लगत है। अरे हमरी मानो तो आपो गुरु माँ से कोनो मंत्र ले ले हो। किसना वो का बस मा करेगा। मंत्र तो हम खोज लेंगे, पहले उसको खोजना है जो कृष्णा बहु को भगाने में उसकी मदद किया है। और हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि बाबा के अलावा एक इंसान और है जिसके ऊपर कृष्णा बहू का जादू जगता है।
सकती बाबू, इतना सकते में कहाँ खड़ी है? ऐसे खड़ी हो जैसे सांप सूंघ गया हो। अच्छा ये बताओ, प्रतिगवा को भगाने में कितना मदद की हो? कहे कि तो हम अच्छे से जानते हैं कि घर में बाबा के बाद अगर प्रतिगवा का कौनो भगत है तो तुम हो। नहीं अम्मा, हमको कुछ मालूम नहीं है। हमको भी सवेरे ही पता चला कि प्रतिज्ञा अपना कमरा में नहीं है, और हम तो रात भर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकले। अच्छा, अरे हमको मत सिखाओ। हमने बहुतों को सोए में जगते देखा है, और जो तुम्हारे चेहरे पे और ये जो तुम्हारे माथे पे पसीने की गंगा बह रही है ना, कुछ तो इशारा कर रही है भाई। चलो हम मान लेते हैं कि तुमने प्रतिगवा को नहीं भगाया। भगवान से मनाओ कि जो बात तुम कह रही हो ये सच हो। कहे कि अगर ये पता चला कि तुम झूठ बोल रही थी और तुमने प्रतिज्ञा को भगाने में मदद की है तो समझ लो कि तुम्हारा का होगा सो। और सक्तिया तुम्हारा का असर करेगा सो। आखिर सज्जन सिंह इतनी सुबह सुबह यहाँ क्यों आए थे? बिना वजह उनका यहाँ आना और बिना कोई विवाद किए यहाँ से चले जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमें उनकी कही बातों पर यकीन नहीं आ रहा। क्या हुआ, किस बारे में सोच रहे हैं आप? अब इस उम्र में अपने बच्चों के अलावा और किस बारे में सोचेंगे? हर वक्त बस प्रतिज्ञा की ही चिंता लगी रहती है। आप बिना वजह परेशान हो रहे हैं, प्रतिज्ञा बिल्कुल ठीक है। आप क्यों नहीं मानते इस बात को? अच्छा ठीक, अगर आप इतने परेशान हैं तो हम एक काम करते हैं, हम आदर्श से कहते हैं वो ऑफिस से लौटते समय एक प्रतिज्ञा से मिलता आएगा, ठीक है? है ना बेटा? जी मम्मी, हम जरूर होते आएंगे। हेलो। हाँ अम्मा, जरा वो प्रतिज्ञा भौजी को फोन देना, हमको उसे जरूरी बात करनी है। अच्छा, तुमको भौजी से जरूरी बात करनी है? आज तक अपनी अम्मा से तो तुमने कौनो जरूरी बात नहीं की। चार दिन हुआ नहीं है तुमको गए हुए और वो घर फोड़नी के साथ सलाह मशवरा करने लग गई तुम। देखो मलिया, का खिला दिए तुमने ससुराल वाले तुमको कि आजकल खाली प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा रखती रहती हो। अब ये समझ लो, वो का है ना के सच्ची बात तो तुमसे हजम होती नहीं है। ये लिए सब छोड़ो और प्रतिज्ञा भौजी को फोन दो। भौजी घर पे नहीं है, जो कहना है हमसे कहो, वो आएगी तो कह देंगे। हमको ये बात समझ नहीं आई कि तुम हमारी बात प्रतिज्ञा भौजी से काहे नहीं करा रहे हो। का अम्मा, कौनो नया बवाल कर दियो का? अच्छा, अब शक कर रही है हम पे? हाँ, अपनी अम्मा पे शक कर रही है? अरे अब तुमको अपनी भौजाई से इतनी मिठाई हो गई है कि अपनी अम्मा खटाई लगने लगी है तुमको। वाह रे कमलिया वाह, बहुत सही कर रही है। एक बात सुन लो कि तुमको प्रतिज्ञा से बात ए लिए नहीं करवा रहे हैं कि वो दादी और शक्ति बहू के साथ मंदिर गई है। जब लौट के आएगी तो बात करवा देंगे, समझी?
आजकल तुमको समझ नहीं आ रहा है कृष्ण भैया गए कहाँ हैं? यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढ लिया है, कहाँ जा कर सकते हैं? सुनना बिल्कुल है, सही कह रहे हो एकदम तुम। पूरा शहर छान मारा भाभी, मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा भैया गए कहाँ आखिर, हमसे मन घबरा रहा है भाभी। अब क्या करें? चंदू भैया लगता है वो बाऊजी की जीप है। हो रही, पकड़ो उसे, चलो जल्दी। भैया जल्दी जाकर जीप में बैठिए, हमें अभी भागना ही होगा, चलिए जल्दी। जल्दी चलो, बहुत साइड जा रहे हैं, जल्दी संभाल, जल्दी चलो, आगे जा रहे हैं, उधर उधर उधर, जल्दी। कहाँ ले बैठू ना? अबे ये ले ले यार गली में। आगे चल के, आगे चलो, चलो आगे। बाबूजी, ऐसे कौन से बिल में हाथ डालें कि वो प्रतिज्ञा की गर्दन हमारे हाथ में आ जाए? ससुरी जहां मिलेगी वहीं काट के चढ़ाए देंगे, फिर चाहे जो भी हो सब देख लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि बाबा और प्रतिज्ञा आखिर गए कहां? बेटा कटरा नरेश, वह बड़का गुंडा बनते हो तो घूर के ले आओ, काट देंगे। बाबा प्रतिज्ञा का एक साथ गायब होना हमको तो जानबूझ के लगता है, जरूर दुन्नू की मिली भगत है यहाँ। ठाकुरानी तब महतारी हो के बबुआ को ना तुम बस इतना ही जानती हो, समझी? हाँ, राम कह रहे हैं उसको अगर प्रतिज्ञा को भगाना ही होगा तो ताल ठोंक के दिन के उजाले में सबके सामने ऐसे लेके जाएगा, ऐसे चोरों की तरह नहीं लतखोरों की तरह लेके जाएगा। बात करती हो बेटा, ठाकुर सज्जन सिंह की औलाद है, समझो? जो कुछ करेगा ना टंके की चोट पे करेगा, समझो? ये है बबुआ हमारा बेवकूफ है, बच्चा है, डरपोक न। जी नमस्ते। नमस्ते मम्मी जी। जी वो दरअसल हमें प्रतिज्ञा से मिलना था। अरे दामाद जी, अभी 2 दिन पहले तो अपनी बहन से मिलके गए थे, फिर
फिर हर दो दिन में ऐसा कौन सा जरूरत आन पड़ता है कि अपनी बहन के यहाँ आ जाते हैं? एक ही शहर में ब्याह हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जब मन में आए मुंह उठा के चल दिए। न दिन देखा न रात। अरे लड़की वाले हैं, पड़ोसी मत बनिए। और आपकी बहन कौनो जेल में तो रहती नहीं है ना कि रोज उसको खाना खिलाने के लिए और उसका हाल चाल पूछने के लिए आना पड़े। जी दरअसल बात ये नहीं, हम आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे। वो तो हमने सोचा कि बस ऑफिस से गुजर रहे थे तो मिलते चले। अरे ये तो सबसे बड़ी ऐब है आप सब में कि सोचबे बहुत करते हैं। खोपड़ी खराब नहीं होती इतना सोचने से। अब प्रतिज्ञा बाबा के साथ बाहर घूमने गई है। आपको जौन कुछ भी पूछना है ना हमसे पूछ लीजिए और घर जाइए, समझे? कोमल रास्ता देख रही होगी आपका। ए पियसिया, हाँ माँ, दामाद जी को अच्छे से चाय नाश्ता करा और उसके बाद विदा कर दे। अभी बनाई थे। वो सब हमें ही ढूंढने आए थे। बेटा बच गए आज, नहीं तो बहुत बुरी तरह पीटे जाते। इस सज्जन सिंह की पलटन है ना, हमें मार मार के रूई बना देती। सही कह रहे हो बेटे, ना आज तो बच गए। रीगा, ये तो हम वहीं आ गए जहां दिन में आए थे। चंदू भैया, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। कृष्णा की माला है। हाँ भाभी, इसका मतलब है कि वो यही था।
जो बच्चे उस आदमी को परेशान कर रहे थे, कहीं वो कृष्णा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।